स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए ट्रैवल सीरीज़ के फ्रेश एपिसोड में। और अभी इस वक्त मैं हूँ चेन्नई में, और चेन्नई आते ही साथ सबसे पहले जो चीज़ फील होती है वो है ह्यूमिडिटी। और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए, ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, तो चलो पहले चलते हैं एयरपोर्ट, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी इस वक्त मैं हूँ चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और आज सुबह मैं चेन्नई आया करीब 6:30 बजे, और एयरपोर्ट से मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था। एक्चुअली मेरे को सुबह 4:30 बजे पहुँचना था, लेकिन बेंगलोर से जो मेरी बस थी चेन्नई की वो करीब 2 घंटे डिले हो गई, जिसकी वजह से मैं एयरपोर्ट करीब 7:30 के आसपास पहुँचा। उसके बाद बस लाउंज में थोड़ा खाना खाया, और अभी एयरक्राफ्ट अभी जस्ट बोर्ड किया है। तो जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे थंबनेल से कि अभी मैं जा रहा हूँ सिंगापुर, और ये सिंगापुर सीरीज़ की पहली वीडियो है। तो यार बहुत मज़ा आने वाला है, मैं खुद पहली बार सिंगापुर जा रहा हूँ तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और देखते हैं कैसा होता एक्सपीरियंस। अभी तक तो सब ठीक था, बस इमिग्रेशन में थोड़ा क्वेश्चन आंसर किया, आई थिंक मेरे से थोड़ा ज़्यादा किया क्योंकि मेरा पासपोर्ट जो है वो ECR पासपोर्ट है। ECR पासपोर्ट यानी कि आई थिंक एक माइनर पासपोर्ट होता है, मैं छोटा था काफ़ी जब मेरा पासपोर्ट बना था, तो आई थिंक उसकी वजह से मेरे से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किया इवन बोर्डिंग पास देते समय। उसके बाद इमिग्रेशन में एक बार इमिग्रेशन से वापस भेज दिया पासपोर्ट चेक करवाने के लिए, उसका दोबारा मेरा पासपोर्ट चेक करके उन्होंने मेरा इमिग्रेशन क्लियर किया। तो ठीक है, होता रहता है, बट अच्छी बात यह है कि मैं टाइम से पहुँच गया। तो इन्होंने जो मेरा बोर्डिंग पास है इसमें भी यहाँ पे ECR लिख रखा है, तो मेक श्योर अगर आप ECR पासपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो और आपकी एज 25 से कम है तो आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मेक श्योर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, क्योंकि ये मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी ये चीज़ हो चुकी है, वो स्पेशली जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो ज़्यादा दिक्कत होती है। और बात करी जाए इस फ़्लाइट के टिकट के प्राइस के बारे में, तो ये मेरे को करीब पड़ा 7,500 मैंने इसका पे किया था। वैसे तो मेरे को ये 6,600 पड़ना चाहिए था, क्योंकि इसमें मैंने 1100 का फ्री कैंसिलेशन भी ऐड करवाया था, पर उसको ऐड कराने के बाद मेरे को 7,700 पड़ा। और सस्ती तो है यार फ्लाइट, आई नो। और अगर आप सोच रहे हो कि इतनी सस्ती फ़्लाइट कैसे मिली, तो यार मैं खुद ये फ़्लाइट बुक करने वाला था नहीं, वो तो मैं बस एक दिन रैंडमली स्काई स्कैनर चेक कर रहा था, तो उसमें शायद इंडिपेंडेंस सेल चल रहा था इंडिगो का, तो मुझे दिखा कि चेन्नई से सिंगापुर मिल रहा है करीब 8,500 का, तो मैंने इधर उधर खोजा, तो फिर मेरे को क्लियर ट्रिप में कुछ क्रेडिट कार्ड के ऑफ़र्स मिल गए, तो मुझे सब कुछ मिला के 7,700 पड़ा इंक्लूडिंग फ्री कैंसिलेशन। फ्री कैंसिलेशन मैंने इसलिए कराया था क्योंकि मुझे मालूम नहीं था सिंगापुर का वीज़ा के बारे में क्या अप्रूवल रेट है उसका, और कुछ भी हो सकता है, क्या पता छुट्टी अप्रूव ना हो ऑफिस से, तो इसलिए मैंने फ्री कैंसिलेशन ऐड करवाया था, नहीं तो मुझे करीब 7,000 के आसपास पड़ जाता। लेकिन ठीक है, अब बस चलते हैं जल्दी से, काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और आपसे मिलते हैं सिंगापुर में। तो सिंगापुर में आप लोग का स्वागत है। अभी जस्ट सिंगापुर में मेरी एंट्री हुई है, और प्रोबेबली वन ऑफ द ईजीएस्ट इमिग्रेशन मैं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इमिग्रेशन के गेट्स लगे हुए होते हैं, कोई इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं होता है, तो बस आपको आपका पासपोर्ट जो है स्कैन करना होता है, और अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो वो गेट आपका खुल जाएगा। बस आपके पास वैलिड आपका सिंगापुर का वीज़ा हो, और आपको अराइवल कार्ड फिल करके आना है। अगर आप अराइवल कार्ड फिल नहीं किए हो तो आप यहाँ पर आने के बाद भी यहाँ पर टैबलेट इंस्टॉल्ड है, तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको यहाँ के वीज़ा के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, मेक श्योर यू चेक इट आउट। उसमें मैंने बहुत ही आसान स्टेप्स में बताया कि आप कैसे सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। मैंने सुना है कि यहाँ पे 3 दिन का टूरिस्ट पास मिलता है, जिसमें अनलिमिटेड आपको मेट्रो राइड और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, तो मैं फ़िलहाल वही खोज रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे सिम कार्ड और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज भी है, तो वो सब भी है, पर मेरे पास सिम कार्ड के लिए मैंने ऑलरेडी अपने जियो सिम में इंटरनेशनल रोमिंग डलवा दिया है, 1500 का मैंने पैक डलवाया, जिसमें 14 दिन की वैलिडिटी है और 1 GB डेटा मिला है, और उसके अलावा
करेंसी में मैं $500 लेके आया हूँ और 150 सिंगापुर डॉलर लेके आया हूँ, तो ऐसा कुछ सीन है। चलो फ़िलहाल ढूंढते हैं कि कहाँ पे मेरे को वो कार्ड मिलेगा जिससे मैं मेट्रो वगैरह एक्सेस कर सकूँ, उस वक्त मैं आप लोग को भी बताता हूँ। बाकी मैं सामने देख पा रहा हूँ कि सामने लगेज स्टोरेज के लिए भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे थर्ड फ्लोर में कोई जैवल चांगी करके एक जगह है लिखा हुआ था, तो मैं वहाँ पे जाके देख रहा हूँ कि क्या मिलता है वहाँ पे। शायद मेरे को वहीं पे मिल जाए मेट्रो कार्ड। लगता है मैं ही हूँ अकेला जिसके पास थोड़ा सा बैग है, बाकी आई थिंक यहाँ लोग घूमने आए हैं, पता नहीं क्या है, चल के देखते हैं। जैवल चांगी ये कुछ देखा देखा लग रहा है, आई थिंक वो वाटरफॉल यहीं पे होगा, आई थिंक, देखते हैं क्या है। ये है यार जैवल चांगी, आगे से रास्ता है, चलो देखते हैं क्या मिलता है अंदर। तो मैं इसके अंदर आ गया हूँ और जो मुझे लगा था वो सच था, वो जो फेमस वाटरफॉल है चांगी एयरपोर्ट के अंदर वो इसी के अंदर है। तो चलो देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को दूर से दिख रहा है बट मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ। और मैंने मेट्रो कार्ड की भी पूछा, तो एक जन शॉपकीपर से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो मेरे को मिलेगा MRT स्टेशन में। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वाटरफॉल है ये इमिग्रेशन के बाहर है, तो अगर आपको ये देखना है तो आपको एक वैलिड वीज़ा चाहिए। अगर आप ट्रांजिट ले आ रहे हैं तो आप ये नहीं देख पाएंगे। और काफ़ी सुंदर है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे पीछे भी यहाँ पे है, तो ऐसा है। और पीछे भी काफ़ी बढ़िया है, सिर्फ उसके अलावा मतलब काफ़ी ग्रीनरी है। और सिंगापुर को वैसे भी सिटी ऑफ गार्डन्स बोलते हैं, आई थिंक द गार्डन सिटी बोलते हैं, तो बिल्कुल आते ही साथ काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे हर जगह फ्री वाईफाई है यार, तो ओह वाओ, लॉगिन भी करना नहीं पड़ा, ये बढ़िया था यार। यहाँ पे मैं लोगों को देख पा रहा हूँ कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पे आप खाना खा सकते हो और रेस्टोरेंट हैं, शॉपिंग कर सकते हो, और लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये पब्लिक एरिया नहीं है इसलिए यहाँ पे आपको शायद रजिस्टर करना पड़ेगा, इसके आगे एंट्री अलाउड नहीं है, तो कुछ ऐसा है। पर चलो अब चलते हैं MRT स्टेशन और वहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को कितने का टूरिस्ट पास मिलता है 3 दिन का। मेरे को वहाँ भी कई लोग दिख रहे हैं, तो या तो वो लोग पेड एंट्री देके गए हैं या तो शायद मॉल के अंदर से होगा एंट्रेंस, बट मेरे पास क्योंकि ज़्यादा बैग है मैं भी जाना नहीं चाह रहा हूँ। और मेरे को वहाँ पीछे में ट्रैम्पोलिन पार्क भी दिख रहा है, बट अगेन काफ़ी ज़्यादा बैग है और मुझे अभी जाने का मन नहीं है, तो चलो अब चलते हैं। मैं अभी जब जैवल चांगी से निकला ना, तो मैं भी टर्मिनल 3 आ गया हूँ और मेरी फ़्लाइट आई थी टर्मिनल 2 में, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और मैं टर्मिनल 3 आ गया। पर आई थिंक अगर टर्मिनल 2 से सिटी के लिए ट्रेन हैं तो टर्मिनल 3 से भी होनी चाहिए, ऐसा भेदभाव तो करेंगे नहीं। तो ठीक है, दूसरा टर्मिनल तीसरा टर्मिनल भी आ गए, देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। टर्मिनल 2 में तो था MRT, यहाँ पे भी होना चाहिए, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस चल लेंगे, पर आई थिंक यहाँ मिल जाना चाहिए। यहाँ लिखा तो है ट्रेन टू सिटी, चलो देखते हैं। तो यार ये वेंडिंग मशीन है और ये आपको MRT स्टेशन में मिल जाएगा, तो आपको सीधा MRT स्टेशन आ जाना है, चाहे वो किसी भी टर्मिनल का हो। और फिर ऐसे आप यहाँ से देख सकते हो कि $17, $24 और $29 सिंगापुरियन डॉलर्स का ये सारे पासेस हैं। तो चलो मैं एक बार इसको ले लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो मैंने ये पीछे वेंडिंग मशीन से जो है टूरिस्ट पास खरीद लिया है, और ये जो वेंडिंग मशीन थी इसमें खाली कार्ड का ऑप्शन था, तो मैंने अपना फॉरेक्स कार्ड यूज़ किया है, बट आई थिंक कैश वाले ऑप्शन भी होंगे और कुछ काउंटर्स भी हैं, बट ठीक है, अगर आपके पास फॉरेक्स कार्ड है तो आप डायरेक्ट कार्ड से पेमेंट करके 29 सिंगापुरियन डॉलर्स में आप पासेस ले सकते हो, 3 डेज़ का पास 29 सिंगापुरियन डॉलर्स में। तो यार अभी जस्ट अपने हॉस्टल से मैं बाहर निकला हूँ और अभी करीब रात के 8 बज रहे हैं, और हॉस्टल में थोड़ा देर था, नहाया, उसके बाद थोड़ा आराम किया। और मेरा जो हॉस्टल है वो चाइना टाउन में है, टेम्पल स्ट्रीट में, मैं आप लोग को आने वाले वीडियोस में दिखा दूँगा कभी।
अभी फ़िलहाल भूख लग रही है सुबह से, ऐसा कुछ खाया नहीं है, तो बस जा रहा हूँ कहीं 7-Eleven मिलेगा तो कुछ सैंडविच वगैरह ले लूँगा, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। पहले देखते हैं यहाँ कुछ खाने का है क्या। वैसे ऑप्शंस तो बहुत है बट वही है कि भरोसा नहीं है यहाँ पे क्या मिलेगा। ये ऑप्शंस तो बहुत हैं पर मुझे लग नहीं रहा है ये मेरे लायक है। देखते हैं आगे कुछ ना कुछ अच्छा तो मिल ही जाएगा। तो यार अभी जस्ट 7-Eleven से एक चिकन सैंडविच लिया मैंने जो मेरे को 3.1 सिंगापुर डॉलर का पड़ा, और बस अब मैं जा रहा हूँ मरलायन की तरफ और आपसे मिलते हैं मरलायन में। तो यार मैं मरलायन पार्क तो पहुँच गया हूँ और अभी यहाँ जस्ट पीछे एक होटल है फुलर्टन बे होटल, तो वहाँ पे एक वेडिंग चल रहा था वहाँ लिखा था कि पब्लिक एक्सेस अलाउड है, तो मैं भी चला गया था। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ वहाँ पे शादी चल रही थी, और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो मरीना बे सैंड्स। तो बस यही है, अभी चलो मरलायन को ढूंढते हैं फिर उसके आगे मैं आपसे बात करता हूँ। तो यार फाइनली आ गए मरलायन, आप मेरे पीछे देख सकते हो, और यहाँ पे जो है वीकेंड में जो है यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे हो जो लेक है यहाँ पे फाउंटेन शो होता है, तो वीकेंड को जो है 8, 9 और 10 बजे होता है और वीकडे में 8 और 9 बजे होता है। तो अभी जो है 9:40 हो रहा है यहाँ पे, तो बस 20 मिनट वेट करना है, तो मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे फाउंटेन शो कैसा लगता है। और ये जगह मेरे को काफ़ी हद तक हांगकांग की याद दिला रहा है, हांगकांग में भी हांगकांग में जो है ना विक्टोरिया हार्बर वो भी काफ़ी हद तक ऐसा ही वाइब देता है, लेकिन यहाँ पे ये मरलायन है ये आप देख सकते हो। और बस यार, तो यार ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना मरलायन, इसको दुनिया भर से बहुत सारे लोग देखने आते हैं पूरे साल भर में, तो मैं सोचा आपको इसके बारे में बता दूं। इस स्टैचू में आप देख रहे हो कि ऊपर ना इसमें लायन का फेस है और इसके नीचे जो है ना फिश की बॉडी है, तो ये ना सिंगापुर के हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सिंगापुर ना पहले एक फ़िशिंग विलेज हुआ करता था बहुत पहले, और जब यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था उसके पहले, और ये जो सिंगापुर जो इसका नाम है ना, तो सिंगापुरा मतलब ना मलाय में सिंगापुरा मतलब होता है लायन सिटी, तो जो लायन है ना वो इस सिटी के नाम को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे जो फिश का स्ट्रक्चर है वो जो फिशिंग विलेज हुआ करता था उसको डिस्क्राइब करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बस यही है यार, बाकी ये स्टैचू की बात करें तो ये 8.5 मीटर ऊंचा है, ज़्यादा भी ऊंचा नहीं है पर लोग इसको देखने आते हैं। और ये जो स्टैचू है ना ये यहाँ पे इस जगह पे 2002 से है, वैसे इसका जो डिज़ाइन है ये 1962 से बन रहा है, पर आई थिंक 1970 के आसपास से इसको पब्लिक किया गया, लेकिन 2002 में इसको इस जगह पे लाया गया मरीना बे सैंड्स के अपोजिट, नहीं तो इसके पहले ये सिंगापुर रिवर के आसपास हुआ करता था। तो बस यही है यार, चलो अब वेट करते हैं फाउंटेन शो का। बाकी उसके अलावा आप लोग को यहाँ पे खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मेरे पीछे देख सकते हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे लाइन से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैंने खुद अभी एक स्ट्रॉबेरी हेज़लनट बोबा मिल्क टी लिया है, काफ़ी अच्छा है यार। वो देखो इतने दूर में हो रहा है फाउंटेन शो, मेरे को नहीं मालूम आपको यहाँ से दिख रहा है कि नहीं, पर वो उस तरफ होता है, उसका नाम है स्पेक्ट्रा फाउंटेन, पर उतना भी कुछ खास नहीं लग रहा है यार यहाँ से भी। मैं रुको आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ, आई थिंक अब आप लोग को दिख रहा होगा। तो वही है यार, उतना भी कुछ खास नहीं है, मुझे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था पर ठीक है। इसको स्पेक्ट्रा लाइट शो बोलते हैं और इसका लोकेशन उस तरफ है, पर उतना भी कुछ खास बड़ा लग नहीं रहा है, पर ठीक है कभी आओगे तो आप उस तरफ चले जाना। स्पेक्ट्रा लाइट शो अगर आप लिखोगे ना तो आपको मिल जाएगा गूगल में, स्पेक्ट्रा फाउंटेन ऐसा करके है।
खैर इंजन देख के लगा उतना भी ख़राब नहीं था जितना मैंने बोल दिया, अच्छा था, नॉट बैड, वॉज गुड। और आप यहाँ पे देख रहे हो, आप चाहो तो ये बोट वगैरह भी ले सकते हो, इसकी भी टिकट आपको यहाँ से मिल जाएगी। आई थिंक ये मेरे सामने ही है, आई थिंक अभी बंद हो गया है, पर आपको इसकी टिकट मिल जाएगी आसानी से, तो आप ये भी कर सकते हो चाहो तो। तो यही था यार, बस आज ही सिंगापुर आया हूँ और आप लोग को जितना हो सके मैंने दिखाने की कोशिश की। अब मैं भी यहाँ पे थोड़ा देर टाइम बिताऊँगा, उसके बाद यहाँ से अपने हॉस्टल चला जाऊँगा। तो आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, क्योंकि आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी। अभी मैं सिंगापुर में 3 दिन और हूँ, उसके बाद वहाँ से कहीं और भी जाऊँगा, तो बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।